Hello guys, I'm Shrenu Parekh and welcome to Mind Wars. किताबें हमेशा हमारी लाइफ का हिस्सा रही है. हम इस इमेजिनरी वर्ल्ड की कई अलग अलग कहानियों से सालों से जुड़े रहे हैं. किताबें कई शेप्स, लैंग्वेजेस, कलर्स, पैटर्न्स में हमेशा हमारे साथ रही है. हर एक किताब कई इमोशंस को जोड़ती हुई अलग अलग कहानियां बताती है, जैसे कि लव, हेट, कंपैशन, एंगर, सैडनेस, एक्साइटमेंट, फियर, एटसेट्रा एटसेट्रा. और हर कहानी हजारों लाखों दिलों को छू जाती है. आज इस डिजिटल गेम्स की दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो बस किताबें ही पढ़ते हैं. हर किताब क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की दुनिया के लिए एक नया दरवाजा खोलती है. सो इस क्रिएटिविटी का ऑनर करते हुए हमने 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक्स को इकट्ठा किया है, जिन्हें शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा. So let's get started. Number 10. 10 नंबर पर है बुक द लायन, द विच एंड द वार्डरोब, रिटन बाय C.S. लुईस. ये बुक 1950 में पब्लिश हुई और वर्ल्ड वाइड इसकी 85 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है. ये 7-part सीरीज की पहली बुक है जिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बनी है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब. देखी है आपने? ये स्टोरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में सेट करी गई है, जिसके चार मेन कैरेक्टर्स हैं, चार सिबलिंग्स, पीटर, सूजन, एडमंड एंड लूसी, जो वॉर के समय लंदन से निकलकर एक प्रोफेसर डिग्री कर्क की कंट्री में चले जाते हैं, जहां उन्हें मिलती है एक मैजिकल वार्डरोब जिसमें नार्निया का हिडन वर्ल्ड होता है. सो हैव यू रेड दिस येट? नंबर 9. नेक्स्ट नंबर 9, शी, अ हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर, जिसकी अभी तक 100 मिलियन कॉपीज बिक चुके हैं और इसे लिखा है एच राइडर हेगार्ड ने. ये कहानी एक प्रोफेसर और उनके अडॉप्टेड सन की है, जो एक लॉस्ट सिविलाइजेशन को खोजने में निकल जाते हैं अफ्रीका. सिविलाइजेशन के मिलने पर उन्हें ये रियलाइज होता है कि इस पर एक इमॉर्टल वुमन का राज है, जो बेहद खूबसूरत, पावरफुल लेकिन क्रूअल है. नंबर 8 पर लिस्टेड है एलिसिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड. ये तो ज्यादातर लोग जानते ही होंगे. बच्चों के लिए इस किताब को लुईस कैरल ने लिखा है और इसको सबसे पहले 1865 में पब्लिश किया गया. तब से लेके अब तक 100 मिलियन कॉपीज वर्ल्ड वाइड बिक चुकी है. हम सभी एलिस की कहानी तो जानते ही हैं. वो एक रैबिट होल में गिरकर वंडरलैंड में पहुंच जाती है, जहां उसे अलग अलग कैरेक्टर्स मिलते हैं, जैसे ग्रिनिंग चेशर कैट जो हवा में गायब हो जाती है, द क्रिप्टिक मैड हैटर जो हमेशा रिडल्स यानी कि पहेलियों में बातें करता है, एंड द हैरोइन क्वीन ऑफ हार्ट्स जो हमेशा एक फ्रेज बोलती है, ऑफ विद द हेड्स. इस बुक पर बेस्ड कई ब्लॉकबस्टर फिल्म्स, एनिमेटेड फिल्म्स और कार्टून सीरीज भी बन चुके हैं. नंबर 7. नेक्स्ट ऑन नंबर 7 इज द हॉबिट, रिटन बाय J.R.R. टॉल्किन. ये कहानी एक हॉबिट के अराउंड घूमती है, जिसका नाम बिल्बो बैगिंस है, जो एक कंफर्टेबल, नॉन एम्बिशियस लाइफ जीता है, बस अपनी पैंट्री तक ही आता जाता रहता है. लेकिन एक दिन उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है जब उसके घर पे विजिट गैंडल्फ और उसके कंपनी ऑफ ड्वार्फ्स पहुंच जाते हैं. उसे ऐसे एडवेंचर्स पे लेकर जाते हैं जहां रेड्स होती है और वो इविल फोर्सेस, जायंट्स, ड्रैगन से लड़ाई भी करता है. ये स्टोरी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के टाइम पर सेट की गई है और इस पर ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बन चुकी है. नंबर 6. सो नंबर 6 पर है एंड देन दे वर नन बाय अगाथा क्रिस्टी. ये आइकॉनिक नॉवेल है जो 1939 में पब्लिश हुई थी और तब से आज तक ये बेस्ट थ्रिलर नॉवेल्स में से एक है. इस बुक की कहानी 10 अलग अलग स्ट्रेंजर्स की है, जिन्हें मिस्टर और मिसेस यूएन ओवन की तरफ से एक आइलैंड पर छुट्टियां बिताने के लिए इनविटेशन मिलता है. पर जल्द ही सब ये रियलाइज करते हैं कि वो मरने के लिए यहाँ आए हैं और एक एक करके सब मर जाते हैं. इस बुक पर बेस एक ब्लॉकबस्टर फिल्म और एक HBO शो भी बन चुका है. आपने देखा है क्या?
नंबर 5। नंबर 5 पर जो बुक है उसके बारे में शायद ही कोई नहीं जानता होगा। गेस कर लिया ना? यस, इट्स हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन, रिटन बाय जेके रावलिंग। ये हैरी पॉटर सीरीज की पहली बुक है और अब तक इस सीरीज की टोटल 500 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है। मेरे पास भी है। हम सभी हैरी पॉटर और उसकी जर्नी के बारे में जानते हैं एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट यंग अडल्ट बुक्स ऑफ ऑल टाइम। इस कहानी में फिलोसोफर स्टोन हमें हैरी पॉटर और उसके दोस्त रॉन, हरमाइनी, प्रोफेसर डंबलडोर, द विजर्डिंग स्कूल एंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से इंट्रोड्यूस करते हैं। ये बुक अब तक 80 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करी जा चुकी है। नंबर 4। नेक्स्ट ऑन नंबर 4 इज द लिटिल प्रिंस, रिटन बाय ऑटिंडा सेंट एक्सपर्शरी। बहुत कम किताबें ऐसी होती है जो बच्चों को और बड़ों को एक साथ पसंद आती है और ये किताब उनमें से एक है। इसका मेन कैरेक्टर लिटिल प्रिंस है जो बच्चों के फ्री माइंड और उनके लगातार सवाल पूछने की आदत को रिप्रेजेंट करता है जो यूनिवर्स की अनदेखी और मिस्टीरियस दुनिया में खोया रहता है। इस बुक को 300 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स में ट्रांसलेट किया गया है और इस पर एक क्रिटिकली अक्लेम नेटफ्लिक्स फिल्म भी बन चुकी है। Number 3. So we are on number 3 now. Number 3 की पोजिशन पर है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बाई J.R.R. Tolkien. ये एक एपिक फैंटेसी नॉवल है जिसमें फ्रोडो और उसके रिंग के मेंबर्स गैंडल्फ द विजर्ड, द हॉबिट्स, मैरी, पिपिन एंड सैम, गिमली द ड्वार्फ, लीगोलस द एल्फ, बोरोमीर ऑफ गोंडोर एंड अ टॉल मिस्टीरियस स्ट्रेंजर कॉल्ड स्ट्राइडर एक खोज पर निकलते हैं। किताब की ओपनिंग लाइंस हैं, वन रिंग टू रूल देम ऑल, वन रिंग टू फाइंड देम, वन रिंग टू ब्रिंग देम ऑल इन द डार्कनेस टू बाइंड देम। और इस बुक पर भी मल्टी मिलियन डॉलर्स मूवी बन चुकी है। नंबर 2। और अब बारी है नंबर 2 की। इस पर है अ टेल ऑफ टू सिटीज जिसे चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। इसकी कहानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान लंदन और पेरिस में सेट करी गई है। ये एक रेवोल्यूशन के अराउंड है जो फ्रेंच एरिस्टोक्रेसी द्वारा फ्रेंच पेजेंट्री को डीमोरलाइज करने की कहानी सुनाता है। इस कहानी में फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़े बहुत सारे इवेंट्स को नॉवल के मेन कैरेक्टर्स की जिंदगी से जोड़ा गया है। बिफोर वी गो टू नंबर 1, लेट्स डू अ क्विक रीकैप। So on number 10, we have The Lion, The Witch and The Wardrobe. Number 9, She, A History of Adventure. On number 8, we have Alice's Adventures in Wonderland. On number 7, we have The Hobbit. On number 6, we have And Then There Were None. On number 5, we have Harry Potter and the Sorcerer's Stones. On number 4, we have The Little Prince. On number 3, we have The Lord of the Rings. On number 2, we have A Tale of Two Cities. And finally, number 1. Top 10 booksellers mein se number 1 par hai Don Quixote, written by Miguel de Cervantes. Ye book 1612 mein publish ki gayi thi aur tab se leke aaj tak iski 500 million copies worldwide bik chuki hai. Ye kahani Alonso Quijano ki hai, जो ये प्रूव कर देता है कि शिवलरी विल इन फैक्ट नेवर डाई। ये बुक शिवलरिक रोमांसेस की पैरोडी में से एक है। तो ये थे हमारे टॉप 10 बेस्ट सेलर्स जिनकी रैंकिंग सेल के हिसाब से की गई है। इन बुक्स के अलावा बहुत सी रिलीजियस और पॉलिटिकल बुक्स भी हैं, जैसे कि गीता, कुरान, बाइबल, रामायण एंड कोटेशंस फ्रॉम चेयरमैन माओ, जिनकी बिलियंस ऑफ कॉपीज मार्केट में बिक चुकी है। पर इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिलता क्योंकि ये टेम्पल्स, मॉस्क, चर्चेस में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो आपकी इनमें से कौन सी फेवरेट बुक है हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपना माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल। सी यू।